आईपीएल 2023 से लेकर आईपीएल 2027 तक के लिए अब स्टार इंडिया यानी स्टार स्पोर्ट्स ने यहाँ पर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को अब 23,575 करोड़ में परचेस कर लिया है। जहाँ पर कल के दिन पूरे दिन खबरें थी कि सोनी नेटवर्क ने यहाँ पर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को परचेस कर लिया, लेकिन देर शाम को खबर आई थी कि स्टार स्पोर्ट्स ने यहाँ पर राइट्स को दोबारा से परचेस कर लिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक समय में सोनी यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का विनर था, लेकिन एट द एंड स्टार इंडिया यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का विनर बन गया था। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर एक समय में यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जीतने के बाद आखिर क्यों यहाँ पर सोनी को बीसीसीआई की तरफ से यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग राइट से बाहर कर दिया था। आखिर बीसीसीआई ने क्यों यहाँ पर ऑक्शन में जीत जाने के बाद भी सोनी को आखिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं दिए थे, आपको इस वीडियो में रियल रीजन बताया जाएगा। आपको इस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि किन कारणों के चलते हुए यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग ऑक्शन में जीते जाने के बाद भी यहाँ पर बीसीसीआई ने सोनी को ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं दिया। आखिर कल पूरे दिन यहाँ पर खबरें थी कि सोनी ने यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स परचेस कर लिए। सोनी ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के ऑक्शन में सबसे अधिक बिड करके यहाँ पर आईपीएल के 5 सालों के लिए अब राइट्स को परचेस कर लिया। लेकिन शाम 6 बजे यहाँ पर जब कल के दिन का ऑक्शन समाप्त होने वाला था, तो एट द एंड खबर आई कि स्टार इंडिया ने यहाँ पर राइट्स को परचेस कर लिया। जहाँ पर कल दोपहर 1 बजे यहाँ पर सोनी नेटवर्क ने 23,000 की बिड लगाई थी, जहाँ पर स्टार इंडिया की केवल 21,000 करोड़ की बिड थी। लेकिन यहाँ पर सोनी नेटवर्क ने 23,000 करोड़ की बिड लगाई थी और स्टार इंडिया वहां से कंप्लीटली बाहर हो गया था, और पूरे सोशल मीडिया पर यह खबरें फैल गई थी कि यहाँ पर सोनी नेटवर्क ने अब आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को परचेस कर लिया था। इस बात की यहाँ पर ऑलमोस्ट बीसीसीआई ने भी कंफर्मेशन कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 5 घंटे का ऑप्शन बचा था। 6 बजे शाम को ऑप्शन समाप्त होना था, 6 बजे तक का बाकी चैनल्स के पास समय था, लेकिन बाकी चैनल्स ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन ऑप्शन की समाप्ति से सिर्फ 10 मिनट पहले यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स ने सोनी नेटवर्क से यहाँ पर केवल 575 करोड़ ज्यादा बिड लगा कर एट द एंड यहाँ पर राइट्स को परचेस कर लिया था। इसके बाद सोनी को दोबारा बिड लगाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि ऑक्शन की समाप्ति हो गई थी और स्टार इंडिया ने यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर केवल 575 करोड़ से यहाँ पर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को परचेस कर लिया था। कुल मिलाकर पूरे दिन खबरें थी कि सोनी यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को जीत चुका है, ब्रॉडकास्टिंग राइट प्राप्त कर चुका है, लेकिन यहाँ पर आखिरी के केवल 10 मिनट्स में स्टार इंडिया ने यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को परचेस किया था। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इन दोनों चैनल्स में से आपके अकॉर्डिंग कौन से चैनल को आखिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलने चाहिए थे, आपके अकॉर्डिंग कौन सा चैनल आखिर आईपीएल को सबसे बेस्ट तरीके से टेलीकास्ट करता, आप कमेंट भी जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।